हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितनी तेजी से गर्मी पड़ रही है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसमें अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडी ठंडी चीजें पीना खाना बहुत जरूरी है। इसके लिए देखिए मार्केट से इतना हम नहीं खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसमें आम बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में मिल रहा है, इसलिए हम आपको आइए बताते हैं किस तरह से ये मैंगो रेसिपी बन के तैयार होगी। आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं और सालों तक आपका ये खराब नहीं होगा। आप मार्केट से बहुत ही महंगे दामों में खरीदती हैं, सस्ते दामों में आप घर में ढेर सारे बना सकती हैं और बना करके स्टोर कर सकती हैं। जब भी आपका मन करे निकालिए और आप इसको खाइए। इसके लिए आप दो बड़े पके आम लीजिए और एक कच्चा आम लीजिए। इसको अच्छी तरह से आप इसको धुल करके पोंछ लीजिए, फिर छील लीजिए। सारी छिलके उतार करके इसको पीस पीस में छोटे छोटे कट कर लीजिए। देखिए कितना फ्रेश आम होना चाहिए, आम आपका गला नहीं होना चाहिए। जितना फ्रेश आपका आम होगा उतना ही फ्रेश आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। चाकू या फसूल किसी चीज़ की सहायता से आप इसको छील लीजिए, इस तरह छील करके कट कर लीजिए। कट करने के बाद एक कुकर लीजिए और कुकर में इसको ऐड कर दीजिए और इसमें एक गिलास पानी डाल दीजिए। पानी डाल करके कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद एक सीटी आने तक इसको पका लीजिए। पकने के बाद जब सीटी निकल जाए तब आप इसको खोलिएगा, तुरंत मत खोलिएगा। तुरंत खोलेंगी तो शायद थोड़ा सा कड़ा रहे। अब एक भगोना अलग चढ़ाइए, उसमें एक कटोरी चीनी डालिए। एक कटोरी चीनी डालने के बाद इसमें दो कटोरा भर भर के पानी डालिए। 250 ग्राम का कटोरा हो उसमें भर करके दो कटोरा भर भर के आप पानी डाल दीजिए। बहुत अच्छी तरह से इसको आपको पकाना है कि चीनी और पानी गल जाए। दो कटोरा भर भर के डालेंगी तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आम देखिए ये पीस चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल सकती हैं, फूड कलर, तो और भी अच्छा कलर आपका आ जाएगा। अब आपने जो आम पीसा है मिक्सी के जार में इसको भी इसमें डाल दीजिए और डाल करके इसको पका लीजिए। अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये पक जाए तो उबाल करके आप 1 लीटर पानी और ठंडा करके रख लीजिए और जब ये उतार देंगी तो इसमें इस पानी को ऐड कर लीजिए। अब दो बड़ा बड़ा नींबू लीजिए, उसका रस निचोड़ लीजिए। अगर आपके पास बड़ा नींबू नहीं है तो आप छोटे नींबू 4 लीजिए और इसको अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए। निचोड़ करके पूरा रस निकाल लीजिए, निकाल करके इसमें ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगी तो थोड़ा सा ये देखिए झाग निकलेगा। आप चाहे तो इस झाग को निकाल सकती हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप निकालिए इसको। ये इसमें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आप उतार करके नीचे रख लीजिए। बहुत ही अच्छा कलर और टेक्चर आया है। देखिए मैंगो फ्रूटी सस्ते दामों में ढेर सारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीज में स्टोर करने के लिए पहले किसी बर्तन में इसको निकाल लीजिए और ये ठंडा हो जाए। आपको नींबू ठंडा होने पर ही डालना है, गर्म में नींबू आपको नहीं डालना है। ठंडा होने पर अगर आप नींबू डालेंगी तो इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा आपकी ये फ्रूटी बन करके तैयार होगी। देखिए बन चुकी है। इस तरह से आप रोटी डालिए, बर्फ़ डालिए। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो इसमें ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड करिएगा और ऐड करके आप इसको मेहमानों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए और गर्मी से राहत पाइए। है ना कितना कमाल का चीज़। कम पैसे में आप ढेर सारा बना चुकी हैं। कम से कम 10-12 बॉटल बन करके तैयार हो चुका है फ्रूटी। अब इस फ्रूटी को आप स्टोर कर लीजिए, जब आपका दिल करे बर्फ़ डालिए और इसको इंजॉय करिए। देखिए है ना कितना कमाल का, कम पैसे में ढेर सारी आपकी फ्रूटी बन करके तैयार हो गई है। इसको स्टोर करिए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, मेहमान आए तो फटाफट फ्रिज से निकालिए और आप मेहमानों को दीजिए। मेहमान खुश, आप भी खुश। कितना अच्छा ये बना हुआ, कितना अच्छा ये टेक्चर और कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे है। आप इसको बनाइए, टेस्ट करिए, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।